Assalamualaikum. तो कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और भाई आज जुम्मे का दिन है, तो अभी मैंने चेंज नहीं किया है, मैंने अपने कमीज सलवार निकाल लिया जुम्मे के लिए। तो अभी हम लोग जाते हैं यार, जुम्मे के कपड़े जो है वो रेडी कर चुका हूँ मैं, हमें जाना है तैयार होने के लिए। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ गाइज, कि कल मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि एक दिन में जैसे आप लोग की इतवार वाले दिन की छुट्टी होती है, तो भाई मेरी भी वैसे ही एक दिन में किसी भी दिन की एक छुट्टी होनी चाहिए ना भाई। जैसे पिछले जुम्मे को मैंने एक छुट्टी ली थी, पिछले जुम्मे की करी थी, उससे पहले भी एक जुम्मे की छुट्टी ली थी, तो ऐसे ही मेरे एक दिन का थोड़ा सा गैप आ जाता है क्योंकि भाई मुझे भी पढ़ाई करनी होती है। स्कूल तो खुले हुए हैं आप लोग के लिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत से मैं व्लॉग लेकर आ रहा हूँ क्योंकि इतना आसान बात नहीं है भाई, स्कूल जाने के बाद आकर मदरसे जाना, मदरसे के बाद ट्यूशन जाना, तो इसी वजह से इक्वल नहीं हो पाता है। अब तो मैं रात में व्लॉग बनाने लगा हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अभी हम वो निकले हैं जुम्मे के, हम तैयार होने के लिए जाते हैं। तो आप लोग की छुट्टी होती है जो मैंने बताया, वैसे मेरी भी एक दिन की छुट्टी होगी, तो टेंशन मत लेना, अगले दिन आप लोग के लिए व्लॉग आ जाएगा। और एक बात और बतानी है भाई, आज हम लोग को जाना है शादी में, शादी में भी आप लोग को जाके दिखाएंगे भाई। शादी में हमारे कजन की शादी है, तो वहां पर भी जाएंगे हम लोग, और वहां पर भी आप लोग को हम दिखाएंगे भाई, फैन फॉलोइंग अपने भाई की। जैसे कि मैंने आप लोग को यार सुबह बताया था भाई कि हम लोग जाएंगे शादी में, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ भाई। देखो तुम्हारे भाई ने शेरवानी पहनी है भाई, करीब की शादी इसलिए शेरवानी पहनी है। तो अभी हम लोग को जाना है शादी के अंदर, यार लेट हो चुके हैं वैसे ही, तो इसलिए अभी हम लोग चलते हैं नीचे भाई। तुम लोग का भाई देख रहा है यार कितना अच्छा है, कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई जो भी जिसकी भी तकलीफ हो ना, प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाया करो, क्योंकि गाइस वो लोग जब हमारी खुशी में आते हैं ना, तो हमें भी खुशी में जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान मुसलमान भाई होता है, तो इसलिए जाना चाहिए। तो अभी चलते हैं शादी में, मिलते हैं हम लोग को शादी में ही। पहली दफ़ा गाइस मैंने दोपहर की शादी अटेंड करी थी, और आज मैं अटेंड करने वाला हूँ रात की शादी। ये तो एज पर डे जो होता है वैसी जो होती है, रात की शादी वैसी है, लेकिन हम लोग आज रात की शादी में जाने, वो भी आप लोग को दिखा दूँ कैसी होती है। उस दिन तो मैंने आप लोग को दिखाई थी दोपहर की शादी, और आज दिखाते हैं रात। तो गाइस जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग आ चुके हैं भाई हॉल, और पहुंच चुके हैं उस शिट यार भाई, दूल्हे की गाड़ी नज़र आ गई है, समझ लो भाई बारात आ चुकी है, बारात मिस कर दी। बारात ही तो इंपॉर्टेंट होती है, देखना भाई एंट्री होती है फुल मस्त एंट्री, अभी बाद में होगी एंट्री भी देखेंगे, पता नहीं एंट्री हो गई या नहीं, अभी चलते अंदर देखते हैं भाई। ये रही दूल्हा की कार, अभी ये रही, अभी चलते अंदर भाई, भाई वगैरह खड़े हैं व्लॉगर भाई, अभी चलते हैं अंदर। मैं आप लोग को मिलवाने वाला हूँ अपने कज़न से, जो मेरे चाचू के बेटे हैं भाई। ये रहे, अस्सलाम वालेकुम भाई, इनका नाम है सहल, और ये मेरे चाचू के बेटे हैं। जब मैंने आप लोग को बताया भाई, हम गले बोले उतने नहीं गए भाई, उन्होंने उधर मुँह कर लिया, उनको शर्म आ रही है थोड़ी कैमरे में आने में भाई। पहले ये मेरे साथ भी होता था, लेकिन अब ठीक हो चुका भाई। आप लोग वहाँ देख सकते हो गाइस कि भाई रश ही रश चल रहा है बाहर, तो और अभी मैंने वहाँ से देखा था ना, इसलिए यहाँ से अभी गाड़ी वाड़ी भी गई थी भाई, रेंजर्स वगैरह की रोड खुलवाया था उन्होंने, लेकिन अभी तक यहाँ पर वो ही रश चल ही रहा है। तो मिलते हैं अभी, अब थाने अंदर चलते हैं, सारे जा रहे हैं टाइम उस पर, अभी चलते हैं भाई घर पर, और मिलेंगे घर के घर पर यार, कि भाई अभी मैं भी थक चुका हूँ, अभी तकरीबन मेरे पास घड़ी भी नहीं है यार, स्मार्ट वॉच मैंने बता वो भी रख दी भाई, वो अभी टाइम भी नहीं, मुझे पता भी नहीं अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी चलते हैं। ये टाइम क्या हो रहा है साल, 12 बजे आपको मेरे को भाई ये बोलने 12 बजे रहे हैं, तो अभी चलते घर पर, मिलेंगे भाई घर पर जी। तो भाई अभी हम लोग कजन की शादी में आ चुके हैं भाई, इतनी ठंड हो रही थी ना के बस, और अभी जब आए ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा थकन भी हो रही है, और कल सुबह भी हम लोग को यार कल भी जाना है भाई, खाला के जो हस्बैंड है ना उनकी भाई की शादी में भी जाना है कल हमें, तो वहाँ पर भी आएंगे यार। अभी भी मुझे जो ना नींद ही आ रही है, आप लोग समझ सकते हो, अभी रात के 1:30 बजे ने भाई, जाना तो 8:30 बजे तक, 8:30 बजे तक भी चले गए थे, वहाँ से ही हम लोग देर में आए, क्योंकि बारात होती है ना तो लंबी होती है यार, रुखसती होती है, रुखसती के अंदर हम लोग कजन भी थे, तो कजन थी वो, तो रुकना ही पड़ता है भाई, देर हो जाती है रुखसती होते होते हैं, फिर बाद में हम लोग को खाना भी खाना था क्योंकि हम लोगों ने खाना खाया था, तो इसी वजह से थोड़ी सी लेट हो गए थे हम लोग। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे हम लोग सुबह, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी नींद आ रही है भाई, अभी व्लॉग भी एडिटिंग करूंगा, तो अब मिलते हैं यार सुबह। The next day. Guys,
अभी ही यार मैं उठ चुका हूँ यार, 12:30 का टाइम हो रहा है। मैंने उठा था तो मैंने बोला यार कल का व्लॉग नहीं डाला था, एडिट नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा यार कंबाइन ही व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि कल जब मैं आया था शादी में से भाई बहुत थकन हो चुकी थी मुझे, और मैं आते ही लेट कर सो गया था। मुझे खुद भी नहीं पता चला था कि मैं कब सो गया। फिर मैं जब सुबह उठा तो मैंने बोला यार व्लॉग ही नहीं डाला, तो मैंने सोचा यार कंबाइन कर लेते व्लॉग। तो आज भी हम लोग को शादी में जाना है, कल भी हम लोग शादी में गए थे, वो भी आप लोग देख लेना व्लॉग के अंदर जब आएगा व्लॉग। तो आज हम लोग को जाना है भाई, क्या मैं आप लोग को दिखाऊं कि मैं मदर से जा रहा हूँ, ट्यूशन जा रहा हूँ। तो मैं हम लोग मिलते हैं ट्यूशन के आने के बाद भाई, रेडी हो जाएंगे उसके बाद मिलूंगा यार, क्योंकि आने का अच्छा नहीं लगता ना, मेरी हालत भी डाउन हो रही होती है, फ्रेश होने के बाद मिलेंगे। तो अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं भाई हॉल, जैसे ही मैंने आप लोग को बताया था यार हम लोग क्या नाम है वो करेंगे, क्या कहते हैं किसकी शादी है, तो वो है शादी हमारे खालू जो है उनके भाई की, यानी कि मेरी जो खाला है आनी, उनके हस्बैंड के भाई की शादी है। तो यार अभी आ चुके हैं, फिर मिलेंगे आप लोग खाने पे यार। और कल जो थी वो शादी थी मेरे कजन्स की, मैं कजन से आपको बताऊँ कैसे उसे समझ में नहीं आ रहा अभी, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, कि अभी हम लोग खाना वाना खा के फारिग हो चुके हैं। और भाई आप लोगों को धुआं नजर आ रहा है, ये देखो भाई इन लोगों ने बहुत अच्छा सेटअप किया होता है यार, सर्दियों के लिए से सर्दी भी बहुत ज़्यादा है आज, और रात में तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है भाई। अभी इन्होंने कोल्ड ड्रिंक के बजाय इस बार चाय रखी हुई थी, चाय भी भाई सही रहती है सर्दियों में तो खास तौर पर, कि अगर हम लोग ठंड में भी कोल्ड ड्रिंक पीएंगे, कल कोल्ड ड्रिंक ही थी, ये चेक कर रहे हो आप लोग मेरी, ये मक्खी बड़ी तंग कर रही है मुझे मक्खी। अल्लाह भाई मक्खी मुझे माफ कर दे इसको भाई, मक्खियों को जावर भी दिखते हैं ना रोशनी। मारो मुझे, मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। ये वही पर ही आ जाती हैं, आप लोग को मेरे मुंह पे नजर आ रही होगी, पप्पा हटाइएगा। आय हाय भाई अभी पप्पा ने मुंह के ऊपर से मक्खी हटा दी है, बहुत तंग कर रही है, अभी दोबारा आ चुकी है भाई। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया यार, अभी हम लोग आ चुके हैं, बन के कर चुके हैं भाई, अब 5K के बहुत ही ज्यादा हम लोग करीब हैं, बहुत होने वाले हैं हमारे 5K। तो भाई आप लोग अपना जो सपोर्ट है अपने प्यार से मेरे 1K करवाए हैं मोहब्बत से, तो आप ऐसे ही अपना सपोर्ट जो है आपका वो जारी रखो भाई। आप लोग मेरे लाइक सब्सक्राइब और व्यूज जिससे आप लोग दे रहे हो मुझे भाई, देते रहो भाई, आप लोग का सपोर्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आप सपोर्ट करके भाई मेरे 5K करवा दो। और अभी सोने का टाइम हो रहा है, तो चलते हैं सोने के लिए। इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करता हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है व्लॉग, कंबाइन भी करा था मैंने, तो भाई व्लॉग भी नहीं अभी तक डला है। तो व्लॉग जैसे कि मैंने आपको बताया 11 बजे तक आए, अब 12 बज चुके हैं भाई, क्योंकि आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करने पड़ते हैं भाई, फिर नाइटी वगैरह पहननी पड़ती है, क्योंकि आने के बाद दिल चाहता है बस लेट और सो जाओ, ऐसा दिल चाहता है। तो इसी वजह से इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब कर दो, आपका छोटा भाई SB व्लॉगर दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।